धरती को हम अपनी माँ और अपनी जननी कहते हैं और प्रकृति हमारा जीवन है। जी हाँ, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम विकास और आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते गए। आज पर्यावरण दिवस है और आज का दिन यह बताने का लगभग आखिरी दिन है कि अगर हम अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। जो प्रकृति हम तक चल कर पहुँचती थी आज हमसे दूर हो गई और हमें उस तक चलकर जाना पड़ता है। जो नदियां गांव-गांव और शहर के बीच से कलकल करती हुई गुजरती थी आज वे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। हमारे घरों के बाहर पेड़ पौधे और घने वृक्ष हुआ करते थे, मगर अब हुआ करती हैं सीमेंट से बनी पक्की इमारतें। हमने अपने घरों के अंदर तो इंटीरियर डिज़ाइन किया है जिसमें प्रकृति से जुड़े कई चित्र भी लगा रखे हैं, लेकिन उस प्रकृति से हम कितना दूर हो गए हमने कभी नहीं सोचा। कुछ दशक पहले हमें एसी या कूलर की आवश्यकता नहीं होती थी, मगर अब यह वस्तुएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, जबकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अब झरना, नदी, झील और जंगल देखने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। नेशनल पार्क में कई सौ रुपए का टिकट लेकर हम अंदर जाते हैं और वहाँ पर वन्य जीवों और पर्यावरण की खुशबू को महसूस करते हैं, जबकि हमने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को मिटा दिया है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का खामियाजा हम समय समय पर भुगत भी रहे हैं। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी बादल फटते हैं, कहीं धरती पर पानी सूख रहा है तो कहीं जमीन आग उगल रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है। वातावरण में असमान परिवर्तन की वजह से, पर्यावरण संरक्षित ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। हम इंसान जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं उनकी संख्या हम लगातार बच्चे पैदा करके बढ़ा रहे हैं, जबकि पृथ्वी को संतुलित करने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ कटने से हवा इतनी दूषित हो गई है कि शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। शहरी जीवन तो पर्यावरण और प्रकृति से दूर हो ही गया है, जबकि यहाँ रहने वाले ग्रामीण भी अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पृथ्वी में रहने वाले लोगों को ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो पहले ना हमने कभी सुनी थी और ना कभी लोगों ने इसको देखा था। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारी खराब होती जीवन शैली भी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और यह दिन आज से कई दशक पहले यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्कॉट होम सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। सभी ने एक धरती के सिद्धांत को मान्यता देते हुए इस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 5 जून को सभी देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने लगा। भारत में 19 नवम्बर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और अब पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसीलिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें यह जागरूकता फैलाई जाती है कि पर्यावरण को बचाएं। लेकिन आज हम कितना जागरूक हुए हैं यह आप अपने अंदर झांक कर महसूस कर सकते हैं। शायद हमने अपने जीवन में इतने पेड़ नहीं लगाए जितने बच्चे पैदा कर लिए। आज जब हम 21वीं सदी के सन 1922 में प्रवेश कर चुके हैं और आधुनिकता में हम इतने खो गए हैं कि अब हमारे पास यह आखिरी विकल्प है, जब हम आज से ही संकल्प लें कि प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाएंगे, जिसे संरक्षित करते हुए हम उसे जीवन भी देंगे, साथ ही स्वच्छता रखकर जल आदि का संरक्षण करके प्रकृति को बचाएंगे। अन्यथा बीते वर्षों में हम प्राकृतिक आपदा में अपने हजारों को खो चुके हैं। यह सिर्फ चेतावनी थी और हमें अब अपनी पीढ़ी के लिए जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका क्या संदेश है? आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि 5 जून को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है जी। और भारतीय नागरिक होने के नाते और इस पृथ्वी के वासी होने के नाते मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि जल का संचयन करें, जल को बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके इस पृथ्वी को बचाएं। कि बिना हम सांस भी लेना जो है नहीं ले सकते, पर्यावरण बिना सांस लेना संभव ही नहीं है और धरती हमारी माँ है। आधुनिकता और विकास के दौर में हम अपने पर्यावरण के साथ इतना खिलवाड़ करते जा रहे हैं कि अब हमें जो है नदी, तालाब, झरने देखने के लिए अपने बच्चों के साथ बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इसके दोषी हम खुद हैं। हमें अगर अपने कल को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो निश्चित तौर पर हमें पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और उसके प्रति काम भी करना पड़ेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संजोए रखने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए
पौधारोपण बहुत जरूरी है, पौधारोपण करना भी बहुत जरूरी है और साथ साथ उनका देख रख रखाव भी करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक जल के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण करना भी जरूरी है, पानी कम फैलाएं, पानी बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो इन सब चीज़ों के लिए तरस जाएगी अगर हमने आज इस पर ध्यान नहीं किया तो। निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास भी किए जाते हैं, हमारे जनपद जालौन में भी जो है इसको लेकर खुद जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन भी प्रयासरत हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी वो काम कर रही हैं, अमृत जो है तालाब भी बनाए जा रहे हैं, लगभग पूरे जनपद में 125 अमृत तालाब भी बनाए जा रहे हैं और प्राकृतिक जल संरक्षण के लिए वो भूगर्भ वैज्ञानिकों की मदद भी ले रही है। जनपद जालौन की विलुप्त होती नदियों के संरक्षण के लिए उनके पुनरोद्धार के लिए भी काम किया जा रहा है। तो जनपद जालौन में पर्यावरण जल संरक्षण के लिए पहले से ही प्रयासरत हैं हमारी जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि कृपया पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए आगे आएं, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। The only options for better education in modern stand Moon International Public School, smart classes, qualified and dedicated faculties, international sports academy, art and craft classes, yoga and gymnasium, music and dance classes, advanced library with smart computer lab and science lab, etc. Study your child in eco-friendly environment in Moon International Public School, Kanpur Road, Mott, Jhansi. PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।